समित पात्रा 50,000 के जूता पहन के तो स्टूडियो में जावे करने के लिए इंटरव्यू, तो उन्हें क्या दिक्कत है भाई है? अब मैं मुझे तो दिक्कत है ना, मैं राष्ट्रपति की बेटी नहीं हूँ, प्रधानमंत्री जी की बेटी नहीं हूँ, मुख्यमंत्री की बेटी नहीं हूँ, मंत्री जी की बेटी नहीं हूँ, समित पात्रा की बेटी नहीं, मैं गरीब महिला की बेटी हूँ, मजदूर किसान की। अब वित्त मंत्री की तो 1.5-2 लाख आ रही तनख्वाह, पेंशन आ रही वित्त मंत्री की, तो उन्हें काहे को महंगाई लगेगी? महंगाई तो हमें और तुम्हें लगेगी, उन्हें थोड़ी लगेगी। लेकिन पूनम जी लगातार ईडी के छापे पड़ रहे हैं, अलग अलग सोनिया गांधी, राहुल गांधी को भी, इन सब चीजों से हमारे नेताओं पर कोई फर्क ना पड़े ना हमारी पार्टी पर पड़े। हम यहाँ आए हैं महंगाई का मुद्दा, जनता परेशान है उनका मुद्दा उठाने को। महंगाई जो है बहुत ज्यादा समस्या है, ये बहुत बड़ा रोग पैदा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो हम उसका विरोध करना है। हम अपील भी करते हैं देश के प्रधानमंत्री से कि जनता त्रस्त है, जो मजदूर है, किसान, भूमिहीन किसान जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है, किसान बहुत दुखी। आप कह रहे हैं महंगाई, लेकिन वित्त मंत्री ने कहा है कि महंगाई नहीं है देश में। अब वित्त मंत्री की तो 1.5-2 लाख आ रही तनख्वाह, पेंशन आ रही वित्त मंत्री की, तो उन्हें काहे को महंगाई लगेगी? महंगाई तो हमें और तुम्हें लगेगी, उन्हें थोड़ी लगेगी। लेकिन जनता वित्त मंत्री जितने एक साल का किसी गरीब किसान का बजट हो तो रखते एक जोड़ कुर्ता पहन ले वित्त मंत्री, लेकिन जनता दिख नहीं रही है सड़कों पे कहीं। यार कैसी बात कर रहे हो आप, देखियो आप ले जाके देखो एक बार चौराहों पे जाकर, बैरिकेड लगा दिया, अंदर देखो जाके माइक ले जाके। भाई बीजेपी ने अपील की है प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि सब लोग तिरंगा लगाए अपनी डीपी पे, और घर घर तिरंगा। देखिए ये तो आज अपील कर रहे हैं और हम पुराने जमाने से लगाते आ रहे हैं, 5-6 साल तो हमें होगी डीपी पे लगाते लगाते, जब से फोन लियो यू टच वालो ठीक है हमें 5-6 साल होगी। और ये ना बतावे हमें क्या लगाना, हमें अच्छे से पता, हम राष्ट्रवाद लोग हैं, इनकी तरह नहीं है, सिर्फ कहने के लिए राष्ट्रवाद है। अपने संघ वाले उसमें से हटवा देते, डीपी वहां लगवा देते, तिरंगा तो रहे, जितने साल में इतना खाया था उतना भ्रष्टाचार बाहर आ रहा है निकल के। हां नेताओं का रहा, इन्हीं नेताओं का 7 साल में जिन्होंने करा। बीजेपी के केवल 2 ही पार्टियां काम कर रही है, ईडी और भाजपा। कौन सी? ईडी और भाजपा। देखे ये तो देखे ईडी जो है लोगों को परेशान कर रही है इनके इशारों पे, ठीक है, और भाजपा जो है वो विपक्ष को वो कर रही है ताकि जनता की आवाज ना उठा सके। जीएसटी लगी है, लेकिन संबित पात्रा ने कहा है कि नॉन जीएसटी खरीदें। संबित पात्रा 50,000 के जूता पहन के तो स्टूडियो में जावे करने के लिए इंटरव्यू, तो उन्हें क्या दिक्कत है भाई है? अब मैं मुझे तो दिक्कत है ना, मैं राष्ट्रपति की बेटी नहीं हूँ, प्रधानमंत्री जी की बेटी नहीं हूँ, मुख्यमंत्री की बेटी नहीं हूँ, मंत्री जी की बेटी नहीं हूँ, संबित पात्रा की बेटी नहीं, मैं गरीब महिला की बेटी हूँ, मजदूर किसान की। नॉन जीएसटी खरीदे, चक्की का आटा खरीदे। देखे मैं तो अपने घर में पीस लूंगी, हालात ऐसे हो रहे हैं। अच्छा वही एक 5 साल की बच्ची ने 50 बार प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा है। 50 बार लिखा है, उस पर अमल कितनी बार हुआ यू बताओ। क्या सुनेंगे प्रधानमंत्री? देखे जिस बच्चे की भावना को वो न समझ पा रहे तो वो जनता के बड़े लोगों की भावनाओं को क्या समझ पाएंगे। काश प्रधानमंत्री जी को राम लक्ष्मण होते, 2 बच्चे होते, 1 बच्चा होता तो वो शायद उस बच्चे की भावना को समझ। तो ये भी रहे महंगाई जितनी बढ़ रही सारी देश हित में बढ़ रही है, वो तो दिख रहा 14,000 करोड़ का वो धस गया तुम्हारा हाईवे, तुमने जमीन वमीन सारे नेताओं ने। प्राकृतिक आपदा थी पूनम जी, आप देखिए अब से पहले प्राकृतिक आपदा में ऐसा नहीं हुआ, एक आधा हाईवे देख लो, पुरानी सरकार ने हाईवे बनाए उत्तर प्रदेश की उतना धसा, अभी तक ठीक चला एकदम। प्राकृतिक आपदा से अगर बारिश से पुल धस गया तो क्या? इतनी तकड़ी बारिश नहीं है जो देश हिल गया, इतनी तकड़ी नहीं, भगवान न करे ऐसी आपदा आवे। भाई 50 लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब पीने से गुजरात में। अब गुजरात में तो शराबबंदी कही है, कहा कर रहे हैं गुजरात के नेता, कहा कर रहे हैं मुख्यमंत्री गुजरात के, कहा कर रही वहाँ की टीम इनकी है, वैसी खामों का। जेपी नड्डा ने कहा है कि 2024 और 25 के बाद केवल बीजेपी बचेगी और कोई पार्टी नहीं। ये तो इनकी नीति है, इसी के खिलाफ हमें रहना है, ये तो चाहते हैं कि 2024 के बाद में चुनाव ना हो, अगर इनकी पार्टी बैठ जाए ये तानाशाह चला में। तो हिंदुत्व राष्ट्र बना रहे ना। देखिए ये बेमतलब की बातों का कोई मुद्दा नहीं है, जब बनेगा आप भी धन्यवाद करेंगे हम भी करेंगे, आप भी स्वागत करेंगे हम भी करेंगे, जब बन जाएगा जो चीज बन जाए, जो चीज अभी हुई नहीं है उस पर कोई बात नहीं करनी चाहिए। जो बेरोजगारी है उस पर बात करो, महंगाई पे बात करो, युवाओं के लिए बात करो, अग्निपथ के विरोध में बात करो, शिक्षा पे बात करो, स्वास्थ्य सुविधाओं पे बात करो। लेकिन बीजेपी की तिरंगा यात्रा हुई थी, कहीं विपक्ष नजर नहीं आया था तिरंगा यात्रा में? हमारा अपना एक तरीका, हमारा एक अपना तरीका, उनका तरीका अलग है हमारा तरीका अलग है। जब हमें AICC में तिरंगा लहराते हैं क्या वो आते हैं यहाँ पे? नहीं आते। उनको आपकी बार निमंत्रण दिया था सबको तिरंगा यात्रा का बीजेपी नेता, अब हमने भी दे दिया आपको निमंत्रण है, आज ये झंडा लहराना यहाँ पे। अच्छा। हम अपने अपने कार्यालयों पर झंडा लहराएंगे, हमारा अपना काम है, अपनी करने की नीति है, उनको अपना काम है। रवि किशन ने कहा है कि ये विपक्ष मानता नहीं है कुछ भी। रवि किशन जी जो पुरानी MP रहे हैं और वो तनख्वाह जितनी पेंशन है जितनी प्रॉपर्टी जायदाद है सब गरीब बेटियों के नाम कर दे, और जब बतावे महंगाई है ना। देखा नहीं कल आपने चित्रा त्रिपाठी को इंटरव्यू दे रहे थे बाइक से बिना हेलमेट लगाए, उसमें कहा है? देखिए अब मैंने क्या बताया आपको, सारी जितनी प्रॉपर्टी है जो आज तक उन्होंने कमाया है राजनीति पार्टी से भी, राजनीति करके भी, और अपनी उसमें भी सब दान कर दें गरीब बेटियों को, गरीब मजदूरों को, और जब बता महंगाई है ना। प्रधानमंत्री जी काम कर रहे, देखा नहीं सेंट्रल विस्टा को डारता हुआ शेर है? एक बात बताइए, हमारे देश में अशोक स्तंभ जो थे पहले क्या उनमें कमी थी? क्या कमी थी? शांति का प्रतीक हमारे देश को कहा जाता है,
ठीक ये इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, इनके कोई मुद्दे नहीं, आप मुद्दों की बात करिए। लेकिन जब चुनाव हुए थे तब रवि किशन ने कहा था अगर भाजपा को लाएंगे तो महंगाई कम होगी, आप कह रही महंगाई है। सब्जी पे 40% बढ़ गई, 18% बढ़ गई, जूतों पे 18% बढ़ गई, तो ये कम हुई है क्या ज्यादा हुई? नॉन जीएसटी खरीदे सीधे खेत से लेकर आए। अच्छा जूता मैं बनाऊं जूता, मोह पे आवे बनाना, मैं बनाऊं जूता पहनने को या टी शर्ट मैं बनाऊं, इतनी महंगी पहले मशीन कहां से लाऊं, घर बेचूं मकान बेचूं? कह तो रहे नॉन जीएसटी खरीदे, अब मैंने अभी जवाब दे तो दिया आपके इसी सवाल का, जूता बनाऊं मैं, जूता बनाने की मशीन लगाऊं, जनता खुश है कपड़ा बनाने की लगाऊं, आपको किसने कहा खुश है? आप सारे वो देखिए गोल चक्कर जितने भी भीड़ देखिए वहां पे कितनी है, अंदर तक नहीं आने दे रहे हैं, दूध दही पे जीएसटी लगा दे, शर्म नाम की चीज नहीं इन लोगों को।